अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, याजूज माजूज सीरीज़ की आखिरी किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पहली तीन इकसात में हमने कोशिश की है कि आपको कुरान और हदीस के सही हवालों के साथ याजूज माजूज की असल हकीकत और तारीख के बारे में आगाह किया जाए। उसी सिलसिले की आखिरी किस्त में आज हम बताएंगे कि अगर याजूज माजूज का पहला ग्रोह हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दौर में ही अगर दीवारे ज़ुल्करनैन से खारिज हो चुका था तो अहद हाजिर में वही कौम याजूज माजूज दुनिया में इस वक्त कहाँ मौजूद है और क्या कर रही है। और ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज आज की दुनिया में किस तरह फसाद बरपा करने में मसरूफ़ अमल हैं। ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानों को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं इस सीरीज़ की दूसरी किस्त में ये वाजे कर चुका हूँ कि याजूज माजूज कोई जानवर और दरिंदा नुमा मखलूक नहीं बल्कि बनी आदम से ही हैं और हम जैसे इंसान हैं। जो आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याफिस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और गोरी और सुर्ख रंगत के मालिक हैं, जिसका जिक्र तारीख में कौम खिज़र और यूनानी तारीख में इसको अशखनास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कौम खिज़र वही है जिसका बादशाह अपनी राया समेत यहूदी हुआ, लेकिन ये बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि ये लोग कन्वर्टेड यहूदी हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुबहाना व ताला ने इरशाद फरमाया और जिस आयत मुबारक का मैं पिछली इकसात में भी जिक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह ने फरमाया और जिस बस्ती को हमने हलाक किया उस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर वापस ना आएंगे यहाँ तक के याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। दोस्तों, अगर इस आयत मुबारक का बग़ौर मुतालिया किया जाए तो हमें इस हकीकत का इदराक होगा कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने इस आयत मुबारक में अपना फ़ैसला सुनाया है कि बनी इसराइल, जिनको यरूशलम से अल्लाह ताला ने सरकशी की वजह से निकाल बाहर किया और पूरी दुनिया में भटकने पर मजबूर कर दिया, और आज भी बनी इसराइल की नस्ल के लोग दुनिया के कई ममालिक में माइनॉरिटी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें इस्फहान ईरान में रहने वाले बनी इसराइल काबिल ज़िक्र हैं। बनी इसराइल के यहूदियों की ख़ास बात यह है कि ये अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गोरे नहीं बल्कि गंदमी रंगत के मालिक हैं। दुनिया में मौजूद वाहिद यहूदी मुल्क जिसको इसराइल के नाम से जाना जाता है, वहाँ जो यहूदी आबाद हैं और मेजॉरिटी की हैसियत रखते हैं, वो हकीकत में बनी इसराइल नहीं बल्कि यही गोरी रंगत वाले कौम खिज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिनके अबाव अजदाद का ताल्लुक उसी बोलान बादशाह और उसकी रियाया से जा मिलता है। और दोस्तों, हकीकत में यही वो कौम याजूज माजूज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। कुरान पाक में बड़े वाज़े अल्फाज में अल्लाह सुबहान व ताला ने बयान फरमा दिया कि बनी इसराइल के लोग यरूशलम से, जिनको अल्लाह के हुक्म से निकाल दिया गया, वो कभी उस बस्ती यानी यरूशलम में वापस नहीं आएंगे। और तारीख में भी हमें यरूशलम की दो मरतबा तबाही और बनी इसराइल के वहाँ से निकाले जाने की दास्तान मिलती है। और फिर बनी इसराइल के ये कबीले यरूशलम से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाकर आबाद हुए। दोस्तों, अहद हाजिर में इसराइल के सियासी हुकाम ने बारहा दफ़ा दुनिया में बसे इन बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदियों को इसराइल में आकर रहने की दावत दी, लेकिन बनी इसराइल के ये लोग इसराइल जाने से इनकार करते हैं क्योंकि उनकी इल्हामी किताब ज़बूर में भी उनके हमेशा के लिए यरूशलम से निकल जाने और उनको तितर बितर करके कभी ना वापस आने का अल्लाह का हुक्म मौजूद है। जैसे कि अल्लाह ने ज़बूर में इरशाद फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला ने कसम जाहिर कर दी और मुखालफत की ताकि इनको सहराओं में भटकने के लिए छोड़ दे और इनकी नस्लों को दूसरी कौमों में जलीलो ख्वार करे और उनको मुल्क मुल्क तितर बितर कर दे। और दोस्तों,
अल्लाह ताला ने जबूर में किया गया वादा पूरा किया और बनी इसराइल पूरी दुनिया में तितर बितर होकर आबाद हुए, जिनका ना तो कोई अपना मुल्क है और ना ही कोई ठिकाना। दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो आयत मुबारका मैंने बयान की है उसका पहला हिस्सा जबूर की इन्हीं आयात से ही ताल्लुक़ रखता है। और गौर तलब बात यह है दोस्तों कि कुरान पाक में इस बनी इसराइल की किस्मत के फैसले के साथ अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का जिक्र क्यों किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में यरूशलेम की किस्मत का फैसला भी सुना दिया है, क्योंकि याजूज माजूज को जब अल्लाह के हुक्म से खोला गया और उन्होंने दीवारे ज़ुल्करनैन में सुराख और खरूज का रास्ता ढूंढ लिया तो अल्लाह ताला ने यरूशलेम की तारीख को भी इसके साथ जोड़ दिया। याजूज माजूज यानी कौम खिज्र से ताल्लुक़ रखने वाले ये सुर्ख सफ़ेद फाम यहूदी दुनिया की ज़हीन कौम में से हैं। इनका शातिर और फसादी दिमाग ही इनकी कामयाबी की ज़मानत है। दोस्तों, हज़रत ज़ैनब बिन्त हवज रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ़ लाए जैसे बहुत घबराए हुए हों, और फिर फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अफसोस सद अफसोस अरब के इस शर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुँचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के मुताबिक नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही याजूज माजूज का खरूज दीवार ज़ुल्करनैन से होना शुरू हो चुका था। याजूज माजूज, जिसको हम कौम खिज़र भी कह सकते हैं, अपनी चालाकी और फसाद परस्ती की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को अपने फितने की लपेट में लेना शुरू हो गई है। सूद को इस्तेमाल में लाकर ये कौम अब दुनिया के तमाम मालियाती निज़ाम को अपने कंट्रोल में लिए हुए है, और इनके सूदी बैंकारी निज़ाम के चुंगल में समेत पाकिस्तान दुनिया का हर मुल्क फंसा हुआ है। दोस्तों, जब पहली जंगे अजीम के बाद बरतानिया राज ने सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देकर इसी कौम खिज़र के सफ़ेद फाम यहूदियों को, जो यूरोप में काफ़ी तादाद में आबाद थे, फ़लस्तीन में आने की इजाज़त दी तो शायर मशरक अलामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को याजूज माजूज के ग्रोहों के खरूज की इत्तला इस शेर की सूरत में दी। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्म मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून। दोस्तों, पहले बयान की गई आयत मुबारका में याजूज माजूज का हम पर हर बुलंदी से हमला आवर होने की बात की गई है, और अगर अहद हाजिर में देखा जाए तो हमें यही कौम याजूज माजूज दुनिया में तरक्की और कामयाबी की हर बुलंदी पर काबिज़ दिखाई देती है, चाहे वो दुनिया का मालियाती निज़ाम हो या अर्ज़ फ़लस्तीन का नाजायज़ कब्ज़ा। ये कौम पूरी दुनिया पर मुसल्लत हो चुकी है और अपनी फसादाना सोच और हरकत से पूरी दुनिया में फसाद कायम करती दिखाई दे रही है, और आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक को भी अपनी लपेट में ले चुकी है, और महज 73 साल पहले बना मुल्क इस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को भी अपनी उंगली पर नचा रहा है, और दुनिया की सबसे लीडिंग बिजनेस कंपनीज भी इसी की मलकियत हैं, और मज़ीद ये कि ये पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। और यही वो कौम याजूज माजूज है जिनके खरूज का रब ताला ने वादा किया, और हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में अपनी उम्मत को आगाह किया। और अरब की तबाही का हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वही होता आज दिखाई दे रहा है, जब अरब ममालिक इन्हीं याजूज माजूज को अपना अच्छा दोस्त मानकर कबूल कर चुके हैं। लेकिन हकीकत में ये अरब की उस बर्बादी का आगाज़ है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही बता चुके। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि वो उम्मत मुस्लिमा को इस शर फितने से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा,
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।